और बात करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को अहम पद। पूर्व डीजीपी विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है, पूर्व डीजीपी विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने विश्वकर्मा। पहले यूपी में डीजीपी के पद पर थे तैनात, रिटायरमेंट के बाद विश्वकर्मा को सीआईसी बनाया गया। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त विश्वकर्मा बनाए गए हैं और रिटायरमेंट के बाद विश्वकर्मा को सीआईसी बनाया गया है। तो पहले यूपी में डीजीपी के पद पर तैनात थे और ये लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को अहम पद दिया गया है, रिटायरमेंट के बाद विश्वकर्मा को सीआईसी बनाया गया। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को अहम पद दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, पूर्व डीजीपी को अब जो है अहम पद दिया गया है, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, ये पूर्व डीजीपी हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी, इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी रह चुके हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी योगी सरकार ने इनको दी है। योगी सरकार के बड़े विश्वास पात्र हैं और जो ये यहाँ पर सूचना का कार्य है, इसमें इनके साथ 10 जो है मुख्य आयुक्त हैं और सबके जो नोडल अधिकारी हैं, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया है, जिसको लेकर के योगी सरकार की जो कार्यशैली है उसको ये माना जा रहा है कि ये सूचना के मामले में एक बड़ी मजबूती मिलेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। जी, अभी योगी सरकार में इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर सपा सरकार की बात करें तो तब भी आईजी कानून व्यवस्था के पद पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ, बेशक राजकुमार विश्वकर्मा का जो कार्य करने का तरीका है वो हर सरकार के साथ तालमेल मिला करके वो चलते रहे हैं, चाहे वो सपा सरकार रही हो या फिर योगी सरकार रही हो। सपा सरकार में भी वो सरकार के बड़े करीब थे, अपनी कार्यशैली की वजह से वो उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। अब योगी सरकार में भी उन्होंने अपनी एक अहम जगह बनाई और अहम मुकाम हासिल किया था। कार्यवाहक डीजीपी का कार्य भी उन्होंने देखा, प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाली। अब योगी सरकार ने उन पर मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और भरोसा जताया है राजकुमार विश्वकर्मा पर। जी, रिटायरमेंट के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई है, कब से वो कार्यभार संभाल सकते हैं? देखिए, वो जिस तरह की अभी इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के बाद जो है वो किसी भी समय जो है अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। ये कार्यकाल उनका 3 साल के लिए उनको मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व डीजीपी विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, लखनऊ से यह जानकारी निकल के सामने आ रही। अब यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त विश्वकर्मा बनाए गए हैं। तो पहले यूपी में डीजीपी के पद पर तैनात थे और अब एक बार फिर से योगी सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। और बात करते हैं अगली खबर की। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर थी। बता दें कि उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत जनपद रायबरेली के सलोन विधानसभा लोकसभा क्षेत्र अमेठी से शुरू की। वहीं उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और आयोजित की गई महिला खेलकूद प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाली महिलाओं को अपने हाथों से पुरस्कार भी दिए। साथ ही 270 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में उन्होंने गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि गांधी खानदान ने 30 साल पहले मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया था, लेकिन गांधी खानदान उस वादे को पूरा नहीं कर पाई। साथ ही कहा कि मैं नहीं जानती कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। अमेठी से इस बार प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है और कहा कि यह कांग्रेस की हार का संकेत है।
मैं अभिभूत हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को देश की सबसे चुनौती भरी एक लोकसभा क्षेत्र में साल 2014 में इस विश्वास के साथ भेजा गया था कि नामदार के सामने कामदारों का परिश्रम रंग लाएगा। 2014 में हारने के बाद मैं सतत 5 साल अमेठी की सेवा में रही और उसी सेवा को देखते हुए 2019 में अमेठी ने मेरे भाग्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, अपनी जनप्रतिनिधि अपनी सांसद बनाकर। गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में अमेठी में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों ने अपने लिए घर पाया, 4 लाख परिवारों ने जीवन में पहली बार अपने घरों में नल पाया, 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का सिलेंडर पाया, 3 लाख परिवार ऐसे जिन्होंने किसान सम्मान निधि पाया। अमेठी में 30 वर्ष पहले वादा किया था गांधी खानदान ने मेडिकल कॉलेज बनाने का, लेकिन उस वादे की पूर्ति गांधी खानदान नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेठी के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज देकर यहां पर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय कुमार अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का चुनौती है, वो कह रही है कि कांग्रेस अब तक जो है उम्मीदवारों पर फैसला नहीं कर पाई है। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर चुनौती दी है, उन्होंने कहा कि अगर उनके नेता में दम है तो अमेठी से लड़े। तो अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी रही, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने में इतना समय लग रहा है, यह कांग्रेस की हार का संकेत है। तो एक बार फिर से संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आज अमेठी दौरे पर रही स्मृति ईरानी और उस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। जी, आपको बता दें जुई मैम, अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी, जहां पर उन्होंने तकरीबन 270 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, और वहीं पर जगह जगह जो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता थी, उस खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं को जो उन्होंने इनाम और जो प्रतियोगी प्रतिभागी महिलाएं थी उनको उन्होंने इनामित किया, नामित किया और उन्होंने सम्मानित किया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद जो स्मृति ईरानी है, उनका लगातार जो दौरा है वो अमेठी में महीने में 2 से 3 दौरा जो है उनका लगातार चलता रहता है। अमेठी में पूरा सक्रिय रहती है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जी, और इस दौरान जो उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार पर निशाना साधा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 30 साल में जो है एक भी मेडिकल कॉलेज पार्टी नहीं बना पाई है, जबकि वादा किया था। क्योंकि आपको बता दें कि अमेठी में, अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यदि यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यानी अमेठी की जनता ने विश्वास करके सभी को सांसद बनाया है, और कहीं ना कहीं यहाँ जो निवासी हैं अमेठी के, उनका मानना है कि जो विकास की गति संजय गांधी और सोनिया गांधी के समय में देखने को मिली, वो विकास की गति राहुल गांधी या सोनिया गांधी के जमाने में देखने को नहीं मिली। इसीलिए अमेठी की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर परिवर्तन करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी का सांसद बनाया। जी संजय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है इतना वक्त लग रहा है प्रत्याशी घोषित करने में, और यह कहीं ना कहीं जो है पार्टी की हार का संकेत है। जोहित जी, आपको बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि अमेठी जो है वो हमेशा से एक चर्चित सीट लोकसभा की सीट मानी जाती है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेठी का जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव है,
तो इसमें जो कांग्रेस के लिए राहें हैं वो बिल्कुल कांटों से भरी है, क्योंकि इससे पहले 2014 में जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से लोकसभा की प्रत्याशी बनी तो उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री यहां से लगभग 1,00,000 से प्लस वोटों से जब जीत कर गई तो उसके बाद से केंद्रीय मंत्री का लगातार दौरा अमेठी में चलता रहा, सक्रिय रही। वही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो सक्रियता थी यहाँ कम देखने की मिली, चाहे राहुल गांधी की बात करें या कांग्रेस के कोई शीर्ष संगठन की बात करें तो यहाँ पर उनका देखना कम मिला। इसकी वजह से अब की जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो राहें जो है कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है अमेठी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर आगरा से, जहां सदियों पुराने बरथला कुंड के ऐतिहासिक मंदिर से महिला ने चोरी की। बता दें कि 100 साल से ज्यादा पुरानी सोने की पुरानी मूर्ति को महिला ने चुरा लिया। वही चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश में जुट गई है। मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र के बरथला कुंड के मंदिर का बताया जा रहा है। तो महिला ने जो है ऐतिहासिक मंदिर से मूर्ति की चोरी की है और 100 साल पुरानी ये सोने की मूर्ति बताई जा रही है। और मामला ये आगरा से बताया जा रहा है, जहां मंदिर की मूर्ति की चोरी महिला करती हुई दिखाई दे रही है और ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आमिर कादरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमिर, ये पूरा मामला क्या है, कैसे चोरी की गई और क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि थाना इरादत नगर पुलिस इस समय सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि गांव वाले भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये महिला गांव में के अंदर कहां से आई, जिसके साथ में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन गांव के अंदर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये महिला कौन है। और वहीं पुलिस भी सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश में जुटी हुई है और कुछ लोगों में आक्रोश भी है कि प्राचीन काल मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है, उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। जी, ये जो मूर्ति की चोरी की गई सोने की बताई जा रही है, तकरीबन कीमत की बात करें कितनी कीमत होगी? देखिए, ये अद्भुत मूर्ति थी, इसकी कोई कीमत नहीं बताई जा सकती है, लेकिन लाखों रुपए की मूर्ति है और सोने की मूर्ति थी, जो प्राचीन मूर्ति है जो कि मंदिर में सालों से रखी हुई थी। जी, और बात करें तो आमिर, इसको लेकर जो है पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई अब तक की गई है? पुलिस इस समय सिर्फ यही बोल रही है कि हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटे हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्द ही हम महिला को गिरफ्तार करके मूर्ति को रिकवर कर लेंगे। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है अब तक और पुलिस जो है इसकी कार्रवाई की बात करी, क्या लगता है कब तक इसको लेकर कार्रवाई की जा सकती है? जल्दी ही मैम इस केस का भी खुलासा होगा। ऐसा नहीं है कि आगरा पुलिस ने पहले भी कई घटनाओं का खुलासा किया है, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस केस का भी खुलासा किया जाएगा और पुलिस लगातार इसमें कॉम्बिंग कर रही है कि महिला आखिरकार गांव के अंदर की है या बाहर की है, उसकी तलाश में जुटी हुई है और इसीलिए वो कुछ बोलना नहीं चाह रही है पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर लखनऊ से, जहां अवैध मदरसों को बंद करने को लेकर एसआईटी की सिफारिश पर राजनीतिक दलों के रिएक्शन सामने आए हैं, जहां सपा प्रवक्ता फारूक फखरुल हसन ने कहा कि सरकार के पास मुद्दे ना होने के कारण ये सब कर रहे हैं, कभी मदरसों की बात तो कभी सीएए की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है, इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान मजदूर नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी।
और बढ़ते आगे खबर नोएडा से, जहां यमुना प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। बता दें कि सुविधाओं का लाभ लेने वालों से वसूली होती है, वहीं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पैसे वसूले जाते हैं। तभी एक सुविधा लेने वाले ने आरोप लगाया कि लोगों से जबरन वसूली के पैसे लिए जाते हैं और कहा कि प्राधिकरण के अंदर यदि एक दिन कोई सुविधा लेने वाला पैसा देने में लेट हो जाता है तो उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं सुविधा लेने वालों ने अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी इन वसूलीकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तभी सीओ यमुना प्राधिकरण का कहना है कि सुविधा लेने वालों की शिकायत के बाद ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी में नहीं, अभी आपने बताया तो मैंने आपके सामने जीएम फाइनेंस को बुलाया है और ओएसडी को बुलाया है और आज ही इसका निस्तारण हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें तो लोग बताते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई व्यवहारिक कठिनाई हो, कोई शासकीय शासनादेश में कोई दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर किसी का कोई पैसा एक्स्ट्रा जमा है तो डेफिनेटली मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। सरकार में किसी का पैसा रुकता नहीं है, फंसता भी नहीं है, दो चार दिन का विलम्ब हो सकता है। यमुना अथॉरिटी का लोटी, मेरे नाम एक प्लॉट बी 40 ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें पहले के ट्रांसफ़र में लटकाते रहते हैं, इन्होंने मीनू चार्ट लगा रखा है, 200 रुपये मीटर ट्रांसफ़र फीस, 100 रुपये पोजिशन, 100 रुपये नोड्यूज, 100 रुपये मीटर पर मीटर का इनका उसका मॉर्गेज परमिशन और नोड्यूज के 100 रुपये पर मीटर। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँचा हुआ है, एक की कंप्लेंट दूसरे को करो, दूसरे की तीसरे करो, पर कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ लीपापोती होती है। जैसे कि एक बच्चा गोद में है उसको छोड़ देते हैं, पेट वाले की आस करते हैं, नए लोटियों को फंसाने के लिए स्कीम बना रहे हैं, हम होटल की स्कीम ला रहे हैं, हम पेट्रोल पंप की स्कीम ला रहे हैं, और जो कि हमारी पहली अलोटी है, हम अपना नोड्यूज के लिए खड़े हैं, नोड्यूज नहीं मिलता। अब हमारी 1,35,00,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा होने के बाद भी हमारे आज तक वो रिफंड नहीं हो रहे, किसी के पास चले जाओ लिपा पोती करते हैं। हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं, आज पॉलिसी पढ़ के बताएंगे, आज ऑफिसर बिजी है, आज बोर्ड मीटिंग की तैयारी है, लिपा पोती करके लिंग रोल किया जाता है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।